आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लोकसभा में हार के बाद इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी, कुछ शर्तों पर कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने रह सकते हैं राहुल। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने टीएमसी और सीपीएम को दिया करारा झटका, 3 विधायक और 50 पार्षद बीजेपी में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से नाराज हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे। कमलनाथ सरकार से किसान नाराज, 3 दिन के लिए फिर हड़ताल, शहरों में हो सकती है दूध सब्जी की किल्लत। और रायपुर रेल मंडल ने रेलवे में बनाया एक नया कीर्तिमान, 177 वैगनों को जोड़कर चलाई जाएगी एनकोंडा ट्रेन। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं, उन्हें प्रियंका गांधी और अहमद पटेल ने मनाने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने कुछ शर्तों सामने रखी, जिसके बाद यह तय हुआ कि अब कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के अंदाज में चलेगी, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, कमलनाथ और पी चिदम्बरम से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की सूत्र बताते हैं कि कुछ बड़े नेताओं ने अपने मुताबिक काम किया और कांग्रेस अध्यक्ष को गलत जानकारियां दी, जिससे राहुल गांधी आहत हैं। कांग्रेस की मुश्किल राहुल गांधी के रुख के चलते फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। पार्टी नेताओं के आग्रह के बावजूद राहुल कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने पर अड़े हुए हैं। राहुल को मनाने की एक कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा और अहमद पटेल ने की तो राहुल ने अध्यक्ष बने रहने की कुछ शर्तें सामने रख दी, जिसके बाद पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस अब सिर्फ राहुल के मुताबिक चलेगी, उसमें किसी भी नेता का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी पार्टी के बड़े नेता अशोक गहलोत, कमलनाथ और पी चिदम्बरम से खासे नाराज नजर आए और उन्होंने नेताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पार्टी को अब नए गैर गांधी अध्यक्ष की तलाश कर लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के खराब परफॉर्मेंस और उन्हें गलत जानकारियां दिए जाने से नाराज हैं। सोमवार को तो उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने तक से इनकार कर दिया, जबकि मुलाकात पहले से तय थी। हार के बाद 25 मई को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल ने इस्तीफे की पेशकश की थी। तब उन्होंने बैठक में ही परोक्ष रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की भूमिका पर असंतोष और रोष जताया था और कहा कि इन नेताओं ने पार्टी की बजाय परिवार पर ज्यादा ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने टीएमसी और सीपीएम को करारा झटका दिया है। टीएमसी के 2 और सीपीएम का 1 विधायक दिल्ली भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को अपने दलों से नाता तोड़ते हुए भाजपा में शामिल हो गया। इन विधायकों के साथ 50 से ज्यादा पार्षद भी भाजपा में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सबसे पहला झटका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी के 2 और सीपीएम का 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो गया है। इनके साथ 50 से ज्यादा पार्षद भी शामिल हो गए हैं बीजेपी में। बीजेपी मुख्यालय में पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। भाजपा में शामिल होने वालों में शुभांशु राय और तुषार कांति भट्टाचार्य टीएमसी से और देवेंद्र राय सीपीएम से हैं। शुभांशु राय भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय के बेटे हैं और उनको हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पार्टी से निकाला गया था। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुकुल राय भी उपस्थित थे। और अब धीरे 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 करके ममता जी के आतंक से, ममता जी की तानाशाही से परेशान होकर जिन लोगों का टीएमसी में दम घुट रहा है, वो सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, हर किसी को नहीं लाएंगे। जो बीजेपी के लायक होगा उसी को लाएंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे। हमारी तो शुभकामना है ममता जी के साथ कि वो 21 तक मुख्यमंत्री बने ही रहे, पर उनके कर्मों के कारण यदि वो उनको खुद का ही शार्ट पीरियड करे तो ये तो उनकी जवाबदारी होगी, पर हमारी उनके साथ शुभकामना है कि वो हम 21वीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों मुकुल है? हम 21वीं हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, पर यदि उनके लोग उनको छोड़ छोड़ के आ जाएंगे तो उसमें फिर कोई हमारी कोई गलती नहीं है उसमें।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कमलनाथ को हटाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी कमलनाथ से खासे नाराज हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल का मानना है कि चुनाव को लेकर कमलनाथ उन्हें गलत जानकारी देते रहे और उनका पूरा फोकस अपने बेटे के इलेक्शन पर रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ संगठन के साथ साथ सरकार के मुखिया भी हैं, इसीलिए दोहरी जिम्मेदारियों के चलते यह माना जा रहा है कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी को मनाने में लगे नेताओं से राहुल ने कहा कि MP से भी उन्हें मिसफीड किया गया है। नए PCC चीफ के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से कर अजय सिंह, रामनिवास रावत, बिसाहूलाल सिंह, मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह व जीतू पटवारी के नाम की चर्चा है, लेकिन राहुल की पहली पसंद ज्योतिरादित्य सिंधिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमलनाथ को PCC अध्यक्ष पद से नहीं हटाया था। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए और उनमें पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन हुआ तो देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी PCC चीफ को हटाया जाना तय है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक KP सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की उम्र 74 साल की हो गई है। इस उम्र में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का काम संभाल पाना संभव नहीं। किसी दूसरे नेता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद सौंपना चाहिए। वहीं खुद कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव की वजह से उन्हें नहीं हटाया गया। बसपा विधायक रमाबाई ने कहा कि BJP की तरफ से सरकार गिराने के लिए उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। रमाबाई ने कहा भाजपा विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। भाजपा की तरफ से पंती पद और 50 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश में कमलनाथ सरकार के अल्पमत में आने की खबरों के बीच बसपा विधायक रमाबाई ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। रमाबाई ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। सभी विधायकों को सरकार गिराने का प्रलोभन दिया जा रहा है। सरकार गिराए जाने के एवज में विधायकों को मंत्री पद और 50 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। रमाबाई ने बताया कि दिल्ली में उनके बेटे का इलाज चल रहा है, वहां भी BJP ऑफर लेकर पहुंच गई थी। लगातार आ रहे कॉल से परेशान होकर रमाबाई ने कॉल ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। बताया जाता है कि पिछले दिनों मंत्री पद ना मिलने से रमाबाई कमलनाथ से काफी नाराज चल रही थी। हालांकि रमाबाई ने स्पष्ट किया है कि वे कांग्रेस के साथ नहीं, दादा कमलनाथ के साथ है। रमाबाई ने यह भी कहा कि लोकसभा के नतीजों के बाद बसपा सुप्रीमो से बात नहीं हुई है, जैसा उनका आदेश होगा वैसा करूंगे। बहुत पहले से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि बहुत पहले से संपर्क करते हैं, ध्यान नहीं देता, वो तो सभी लोग करते हैं, सभी से करते, विधायकों से, निर्दलीयों से, सपा बसपा सभी से, उससे क्या फर्क पड़ा, करते रहते हैं। अब यही के मतलब हमारे यहाँ मतलब हम पैसे भी इतने देंगे और मंत्री भी जो आप पद चाहो वो देंगे, और चाहिए ही नहीं ना। चैनलों पर चलाया तो है, कहीं 25 करोड़ कहीं 50 करोड़ ऐसी करके बात करते रहे। सरकार गिराने को लेकर नहीं, सरकार उनकी बनाने को लेकर। मैं पहले भी थी उनके साथ और आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। मैं उनको नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो बहुत अच्छे CM हैं और उनको रहने चाहिए और उनके ही मैं साथ रहूँगी। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान 29 से 31 मई तक मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं। किसान नेताओं का आरोप है ना तो 2 लाख कर्ज माफ हुआ और न ही मुख्यमंत्री कमलनाथ किसान नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में किसान को आत्महत्या से रोकने और सरकार को जगाने के लिए यह हड़ताल की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने दावा किया है कि MP के परेशान किसान 3 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं। इस कारण राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सब्जी और दूध की किल्लत हो सकती है। हड़ताल में सब्जी, दूध, फल, फूल उत्पादक ज्यादातर किसान शामिल होंगे। यूनियन के नेताओं ने कमलनाथ सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। किसान नेताओं का कहना है कि किसान को आत्महत्या से रोकने के लिए और सरकार को जगाने के लिए यह आंदोलन जरूरी है। इसके लिए हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि फल फूल सब्जी अनाज बंद किया जाए और सरकार को विचार करना पड़ेगा कि 2 लाख तक का कर्ज कैसे माफ किया जाए। पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं और किसान की आत्महत्या को रोक रहे हैं। आंदोलन नहीं है ये, किसान की आत्महत्या को रोकना कहेंगे इसको आंदोलन के जरिए, ताकि सरकार चेते और ये समझे कि किसान का कर्ज माफ नहीं होता। तो जिनको आस बंधाई है आपने 2 लाख तक की, वो किसान
आत्महत्या की दरें किस तरीके से तेजी से बढ़ेगी उसको अभी रोक ले, अन्यथा बड़ा परिणाम कांग्रेस सरकार को भोगना पड़ेगा। वैसे ही अल्पमत में है सरकार, ऐसी स्थिति में सोच ले किसान का आगे आने वाला समय कैसा होगा और कैसा आंदोलन होगा। नहीं माना तो सरकार अल्पमत में खुद ही सोच ले कि सरकार की स्थिति क्या होगी। हम किसानों की तो होगी जो होगी, 2017 में देख ही चुके हैं कि शिवराज सिंह सरकार की पूर्णतः बहुमत में होने के बाद सरकार की स्थिति यह थी, गिरने की स्थिति में थी। तो मांग अगर नहीं मानेगी सरकार तो सरकार जवाबदेही खुद बनती। किसान नेताओं ने कहा कि सभी किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिले, समर्थन मूल्य में व्यापारी की तरह किसान को भी दाम तय करने का अधिकार मिले, ऐसी कई मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल की जा रही है। इस कारण सप्लाई पर असर पड़ेगा। भोपाल में सीहोर क्षेत्र के बिल्किसगंज, झागरिया, भोपाल इलाके के मिसरौद, बावड़िया, झरखेड़ा, नीलबड़, रातीबड़ के इलाकों और रामखेड़ी, ललावती, बैरसिया, मंडीदीप, होशंगाबाद इलाके से दूध सब्जी की आवक लगभग बंद रहेगी। मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग और मध्य प्रदेश माध्यम का प्रमुख बनाया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी को जनसंपर्क से हटाकर जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर तबादले करना शुरू कर दिया है। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य में अदला बदली की गई है। अपर मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी को जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग का दायित्व सौंपा गया है। वहीं प्रमुख सचिव राजेश राजौरा को जनसंपर्क विभाग और मध्य प्रदेश माध्यम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एक अन्य आदेश में सागर संभाग कमिश्नर मनोहर दुबे को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सचिव बनाया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खजुराहो से बीजेपी सांसद बने वीडी शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा यह प्रचंड जीत कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। खजुराहो से नए सांसद बने वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया है। मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम यह प्रचंड जीत है। शर्मा ने कहा मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार लड़खड़ा रही है, उनकी आपस में लड़ाई ही उनके लिए खतरा है, इसलिए कांग्रेस की हर गड़बड़ी का आरोप भी वो बीजेपी पर लगा देते हैं। देखिए मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि कोई ये भ्रम न पाले को मंत्री बन रहा है, और ये सब जिसको मंत्री बनाना होगा उनकी योग्यता से लेकर के सारी बातें उनके दिमाग में हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को भी उचित प्रतिनिधित्व पिछली बार भी मिला है और इस बार भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो इस योग्य लोग हैं उनका चयन बिल्कुल इसके अंदर नहीं होगा। मैंने कहा ना कि आंतरिक कलह है इनकी और बहुत बुरे हाल हैं, और ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री केवल कहने के हैं, दिखने के भी नहीं है। जनता के बीच से लेकर के कहीं इन्होंने अभी तक कोई परफॉर्मेंस किया नहीं है, और गरीब जनता की योजनाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर लागू हुई थी उन सारी योजनाओं को बंद करके उन गरीबों के दिल को भी इन्होंने दुखाया है। इसलिए इनको तो प्रकृति भी न्याय देगी, उन गरीबों का दर्द ही इनको न्याय दे देगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये बहुत दिनों चलेंगे, ये जल्दी ही निस्तनाबूत होंगे। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एक सप्ताह में ही दूसरी बार बड़ी कार्रवाई की है। करीब 55 लाख रुपए की कीमत का 11 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। खजुराहो से नए सांसद बने वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया है। मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम यह प्रचंड जीत है। शर्मा ने कहा मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार लड़खड़ा रही है, उनकी आपस में लड़ाई ही उनके लिए खतरा है, इसलिए कांग्रेस की हर गड़बड़ी का आरोप भी वो बीजेपी पर लगा देते हैं। देखिए मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि कोई ये भ्रम न पाले को मंत्री बन रहा है, और ये सब जिसको मंत्री बनाना होगा उनकी योग्यता से लेकर के सारी बातें उनके दिमाग में हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को भी उचित प्रतिनिधित्व पिछली बार भी मिला है और इस बार भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो इस योग्य लोग हैं उनका चयन बिल्कुल इसके अंदर नहीं होगा। मैंने कहा ना कि आंतरिक कलह है इनकी और बहुत बुरे हाल हैं, और ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री केवल कहने के हैं, दिखने के भी नहीं है।
जनता के बीच से लेकर के कहीं इन्होंने अभी तक कोई परफॉर्मेंस किया नहीं है। और गरीब जनता की योजनाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर लागू हुई थी, उन सारी योजनाओं को बंद करके उन गरीबों के दिल को भी इन्होंने दुखाया है। इसलिए इनको तो प्रकृति भी न्याय देगी, उन गरीबों का दर्द ही इनको न्याय दे देगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये बहुत दिनों चलेंगे, ये जल्दी ही निस्तनाबूत होंगे। पुलिस की गश्त पार्टी को देखकर भाग रहे कुछ लोगों में 3 लोगों को पकड़ा गया तो यह है नक्सली निकले। इनके पास से 2 IED मिले हैं। यह लोग पुलिस पार्टी के रास्ते में IED लगाने वाले थे। बीजापुर में IED समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आउटपल्ली के जंगल में नक्सली होने की सूचना पर पुलिस की गश्ती पार्टी निकली थी। गश्ती पार्टी को देखकर कुछ लोग भागे और कुछ जंगल में छुप गए। पुलिस को देखकर भाग रहे नक्सलियों को धर दबोचा गया। पकड़े गए नक्सलियों के पास 2 IED भी बरामद किए गए हैं। इन नक्सलियों को बासागुड़ा और नेलसन नार थाने इलाके से पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भाजपा सरकार की रेत खनन नीति को पलटते हुए नई रेत खनन नीति मंजूरी दे दी है। इसमें पंचायतों से रेत खनन के अधिकार वापस लेते हुए खदानों को समूह में नीलाम करने का प्रावधान है। इससे सरकार को सालाना 900 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने की उम्मीद है। कमलनाथ कैबिनेट बैठक में जब ये नीति रखी गई तो मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, महेंद्र सिंह सिसोदिया और ओमकार सिंह मरकाम ने खदाने नीलाम करने से ठेकेदारों के समूह बनने और रेत महंगी होने का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि नीलामी से प्रतिस्पर्धा होगी, इससे दाम कम रहेंगे, बंद पड़ी 30% खदानों को भी शुरू करेंगे, इससे आपूर्ति बढ़ेगी तो दाम नियंत्रण में रहेंगे। उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि क्या इसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प है, तो मंत्री चुप रहे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि रेत खदानों को पंचायतों से लेकर खनिज विकास निगम ऑनलाइन नीलामी करेगा। इसमें खदानों का समूह बनाकर नीलामी की जाएगी। खदानें 2 साल के लिए दी जाएंगी और दूसरे साल राशि में 20% की वृद्धि होगी। नर्मदा नदी पर स्थित खदानों में मशीनों से उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। क्या रेट में लेंगे? 8 रुपए किलो। मतलब ये कोई पूल ने बना पाया कंपनी, उसका सिंडिकेट ने बना पाया जो अभी तक चलता था, सिंडिकेट ने पूरा दूसरा उसमें फॉर्म लगेंगे, वीडियो कैमरे ये वो सब, नई रेत खनन नीति में कहा गया कि अन्य नदियों की 5 हेक्टेयर तक की खदानों में मशीनों का उपयोग हो सकेगा। परिवहन ट्रांजिट पास के जरिए होगा। रेत खनन के अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी। बंद खदानों को शुरू किया जाएगा, इससे राजस्व मिलेगा। रेत के दाम न बढ़ें, इस पर नजर रखी जाएगी। सरकारी कामों के लिए रेत निःशुल्क मिलेगी। किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को व्यक्तिगत कामों के लिए साल भर में 10 घन मीटर रेत निशुल्क मिलेगी। कैबिनेट बैठक में प्रभारी मंत्रियों को पावरफुल बनाने पर सहमति बन गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री जिलों में ध्यान दें, विधायकों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं। तृतीय और चतुर्थीय श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों के जिले के भीतर तबादले का अधिकार प्रभारी मंत्री के पास रहेगा। कौटिल्य अकादमी भोपाल शाखा ने प्रशासनिक सेवा में तैयारी हेतु निशुल्क सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ उनके परिजन उपस्थित रहे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता लाना था। कौटिल्य अकादमी भोपाल शाखा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी हेतु निशुल्क सेमिनार का आयोजन किया। आयोजन में 10वीं और 12वीं के बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। विशेषज्ञों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी को लेकर बच्चों को जरूरी टिप्स बताए। इस मौके पर कौटिल्य अकादमी इंदौर के डायरेक्टर आशयन मिश्रा ने बच्चों को अभी से अपने लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी। मिश्रा ने सेमिनार में बच्चों का मोराल बढ़ाते हुए बताया कि कैसे कम आयु में छात्र अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ छात्र प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप कलेक्टर बन जाते तो आपके, आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक IIT किसी का बच्चा चूज किया है, IIT में हुआ है, मीडिया उसके घर पहुंची हो, कभी देखा आपने? कभी पेपरों में नहीं देखा होगा कि एक IIT बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो मीडिया उसके घर पहुंच के पूछ रही हो कि आपका सिलेक्शन क्या, ठीक है नाम आगे चीजें सुनिए। लेकिन अगर आप सोचिए किसी के घर से कलेक्टर बन जाए, सभी जगह की मीडिया वहां पर पहुंच जाती है और उसी फील्ड में अगर वो टॉप कर जाए तो पूरे देश के न्यूज चैनल उसके घर पर पहुंच जाते हैं और पूरे घर पर
आपके पूरे देश की मीडिया आपके सामने हो, तो जो काम आप कभी नहीं कर सकते थे, अपने मम्मी पापा को सम्मान नहीं दिला सकते थे, अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दिला सकते थे कि पूरी मीडिया के सामने वो कह सको आप कि नहीं ये मेरे माँ बाप है और इनकी वजह से मैं हुआ, वो कहलाने का सबसे अच्छा यदि कोई माध्यम है तो वो माध्यम है ये फील्ड। अगर आप इस फील्ड में आते हैं और इस फील्ड में आने के बाद सिलेक्ट होते हैं तो आप सोचिए कि आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग और इसके साथ साथ आपका समाज यहाँ पर कितना प्राउड फील करता है। मिश्रा ने अकादमी से चयनित हुए छात्रों और उनकी सफलता की कहानी उदाहरण के तौर पर बच्चों के सामने रखी। सेमिनार में विशेषज्ञों ने छात्रों की तैयारी को लेकर सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर छात्रों के साथ साथ छात्रों के परिजन भी मौजूद रहे। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रशासनिक सेवा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में जागरूकता लाना रहा। कौटिल अकादमी छात्रों के मार्गदर्शन हेतु आए दिन निःशुल्क सेमिनार का आयोजन करता रहता है। मध्य प्रदेश मठ मंदिर सलाहकार समिति के नव नियुक्त अध्यक्ष सुबोधानंद ने मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। मठ मंदिर सलाहकार समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष सुबोधानंद को मंत्रालय में पद ग्रहण करवाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर सुबोधानंद ने कहा कि मंदिरों का संरक्षण और वहां काम करने वालों के हित में सरकार काम करेगी, इसके जरिए संस्कृति की रक्षा होगी, नर्मदा परिक्रमा पथ और राम वन गमन पथ का भी काम शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी मंदिर हैं जहां पूजन नहीं हो रही है, बहुत सारी ज़मीनें हैं जो मंदिरों में लगी हैं, लोगों ने हड़प ली हैं, वो सब के लिए हम प्रयास करेंगे कि उसकी पूजन व्यवस्था सुचारू रूप से चले और वहां से एक आध्यात्म का संदेश जाए जो पूरे भारत में फैले। मंदिर साधना के केंद्र होते हैं, व्यक्तिगत किसी की वस्तु नहीं होते, भगवान वहाँ जब रहते हैं उनकी पूजा होती है तभी वहाँ पर एक सुख शांति स्थापित होती है। हम वो आप लोगों ने इतना विश्वास करके इस पद पर मनोनीत किया, उसके लिए ऐसे बहुत बहुत अपना आभार, अपना धन्यवाद आप सबको देते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने पूरे भारतीय रेलवे में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ते हुए ट्रिपल लॉन्ग हॉल रैक चलाया। इसे एनाकोंडा ट्रेन भी कहा गया है। इस लॉन्ग हॉल रैक में 3 लोकोमोटिव एक गार्ड के डब्बे के साथ लगभग 177 वैगनों को जोड़कर चलाया गया। रायपुर रेल मंडल ने एनाकोंडा ट्रेन चलाकर पूरे भारतीय रेलवे में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 3 मालगाड़ियों को जोड़कर एनाकोंडा ट्रेन चलाई गई। इस डीजल क्रू में केवल एक ही लोकोमोटिव में एक लोको पायलट, एक सहायक लोको पायलट मौजूद रहे। दोनों लोकोमोटिव चालू रहे परंतु उसमें ऑपरेशन के लिए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की आवश्यकता नहीं थी, अतः तीनों मालगाड़ियों को जोड़कर एक ही लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट एवं गार्ड की सहायता से इसे चलाया गया। ये ट्रिपल लॉन्ग हॉल रैक सोमवार को BMY से रवाना होकर बिलासपुर पहुंचा। ये कोरबा भी जाएगा। इस रैक के चलने से जहां पहले 3 लोको पायलट एवं 3 सहायक लोको पायलट की आवश्यकता होती थी, वहीं ट्रिपल लॉन्ग हॉल रैक को एक लोको पायलट और 2 सहायक लोको पायलट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस तरह से परिचालन के क्रू सेट की बचत के साथ साथ रेलवे ट्रैक का भी सही इस्तेमाल होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपको सुनाएंगे भैरंड समाचार, जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये तो है ना रिजल्ट क्या है, सुनामी आ गई, ये बता रही हूँ। दूसरी पार्टियों के टिन टप्पर उड़ते नजर आ रहे हैं, किसी का कुर्ता उड़ गया, किसी का पजामा उड़ गया, सब समेटते फिर रहे हैं, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है। और टीवी वाले तो ऐसा गला फाड़े दे रहे हैं जैसे हमारे चैनल पे पहली बार ये और वो, 4 लोगों के ना गले खराब हो गए, बता रही हूँ। हाँ, मेरे पास खबर आई है, ऑपरेशन चल रहा है उनका गले का। मैं तो भैया बड़ा संभल के बोलता हूँ, ये तो चल रहा है। वो बता रही हूँ, ये जातिवाद की राजनीति वगैरह चलने वाली नहीं है। महागठबंधन बहुत मुगलती में था, बता रही हूँ। देखो रिजल्ट क्या आया, उत्तर प्रदेश में 63 सीटें आ गई भाजपा की, बता रही हूँ। अब तो विकास का मॉडल चलेगा, डेवलपमेंट जो करेगा, जो जनता के काम करेगा वही जीतेगा, बता रही हूँ। ये तो हवाबाजी नहीं चलने वाली अब। और भैया और भोपाल में देखो भैया, दिग्विजय सिंह है ना, कल लठ लिए घूम रहे थे, वो तांत्रिक बाबा को ढूंढ रहे थे, बता रहे हूँ। वो आश्रम में पहुंचे बाबा के, तो बाबा अंदर से बोल रहे हैं, भैया बच्चा शांत हो जा, वो मैं साध्वी का शराब लग जाता है, इसके डर के चक्कर में है ना सारी तांत्रिक क्रियाएं उल्टी कर बैठा सारी, ये तो चल जाए। वो
ओ भैया मैं बता रही हूँ, अब राजे महाराजों के दिन है ना लद गए, अब है ना जनता का शासन आ गया है, अब जनता है ना जो काम करेगा विकास करेगा उनकी खैर खबर लेगा, उन्हीं को यानी जिताएगी। और देखो जो तरह से सिंधिया हार गए वहाँ गुनाह से, उनको हराने वाले उनके सिपा सलाहकार, ऐसा है किसी भी आदमी को छोड़ा नहीं समझना चाहिए, बता रही हूँ। उनको टिकट नहीं दिया मुकाबले, वो बीजेपी में आकर लो हरा दिया, ये तो चल गया है बता रही। और ये पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो भी भुनभुनाती फिर रही थी इलेक्शन के पहले, वो ये इनको पिटाई करवा दी, कुछ कार्यकर्ताओं को मरवा दिया, अब अरे रिजल्ट देख लो, पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का शासन आ गया, वहाँ भी सीटें इनकी बढ़ गई हैं। तो ये भैया ये जो ढंग से चलेगा वो ही जीतेगा बता रही हूँ। हाँ, और राहुल गांधी को देख लो अमेठी से हार गए, जो इनके वहाँ के दादा लड़ते थे, इनकी दादी लड़ती थी, और इनकी घरेलू सीट थी। मैं बता रही हूँ घर को है ना देखना पड़ता है, पुराना हो जाए तो मेंटेनेंस करना पड़ता है, अब मेंटेनेंस नहीं करोगे मान सड़कें मन मैंने कुछ किया तो हारो गई, यही होना है, चूहे बिल्ली दूसरे जानवर आ जाएंगे, मेंटेन नहीं करोगे घर को तो, ये तो चल गया है। और बताओ चुनाव में ये मेरे पास आ गया रोता हुआ कल लाउड स्पीकर वाला, बोले मैं नेताजी आया मेरे पेमेंट नहीं कर रहे, मेरे क्यों, अब वो कह रहे हैं बोले तुम्हारे लाउड स्पीकर के चक्कर में मैं हार गया, तो मैंने कहा उनसे बोलना लाउड स्पीकर गालियाँ तो तुमने दी थी या लाउड स्पीकर ने दी थी, ये तो चल गया है। एक नेताजी भैया कल डॉक्टर के पास पहुंचे, अपनी लंबी सी जीप दिखाई, बोले इसके कारण हार गया भैया, इसको छोटी कर दो ये तो चल गया है। और राहुल गांधी का भैया इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी दे दो भैया, पार्टी को मजबूत करना है तो कोई मेच्योर पर्सन को लेके आओ, जब तक ये भी मेच्योर हो जाएंगे बाद में धीरे धीरे। हाँ, और भैया मैं कह रहा हूँ जो फल का जो पेड़ होता है उसमें फल लग जाते हैं तो झुक झुक जाता है, तो इस बार बम्पर जो मेजोरिटी आई है तो मोदी जी भी थोड़े झुके झुके लग रहे हैं, और बढ़िया अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने गए, आडवाणी जी के पास गए, मुरली मनोहर जोशी के पास गए, ये तो अच्छी खबर है, अच्छे संस्कार होने चाहिए ये तो अच्छी खबर है। और मैं भी वही आए हैं आप चलाए अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।